अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका। मैं सैन, जिसका नाम है डिजर्ट कैड एंड कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में आपको एक रेस्टोरेंट का प्लान बताने वाला हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे वो रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर में एक जैसे कि फाइनेंस को या बैंक को कुछ ऐसा दे सके, उस हिसाब से वो पूरा का पूरा अंदर पूरा क्या ओपन रखना चाह रहे हैं, ताकि कुछ शोरूम वगैरह को दे सके। और सेकेंड फ्लोर पे वो रेसिडेंशियल 2 BHK के 2 पोर्शन ऐसा बनाना चाह रहे हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। प्रेजेंट ये ग्राउंड फ्लोर का मैंने रेस्टोरेंट बना दिया है। ये प्लान आपको मैं शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ऊपर का जो पोर्शन है, जो शोरूम को देना है, उस टाइप का कुछ ओपन हॉल टाइप ऐसा रहेगा, एक आध बाथरूम वगैरह रहेगा, वैसा कुछ इंशाल्लाह मैं बना के नेक्स्ट वीडियो में वो शो करूँगा। तो फिलहाल ग्राउंड फ्लोर का रेडी है, मैं आपको वो शो करता हूँ। तो चलिए डायरेक्टली आपको प्लान शो करता हूँ। प्लान शो करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपको कोई पर्सनल प्लान वगैरह बनाना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। प्लॉट की डिटेल्स और रिक्वायरमेंट के लिए बता देता हूँ, आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको प्लान बनाकर ज़रूर शो करूँगा। पर्सनल प्लान के लिए कुछ नॉर्मल चार्जेस लगते हैं, वो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो ये प्लॉट देखिए, फ्रंट फेस 30 है और बैक साइड का फेस 32 फीट 6 इंचेस है, यानी ये 2.5 फीट तक क्रॉस प्लॉट है। और ऐसे में जो लेंथ है वो 66 फीट है। फ्रंट साइड इनको एक 12 फीट छोड़कर अपना बिल्डिंग बनाना है, ताकि इनके रोड एक्सटेंड भी हो गई तो इनके फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। वहाँ तकरीबन पूरे के 10 फीट छोड़े, ये सेफर साइड, और 2 फीट एक्स्ट्रा छोड़ के 12 फीट छोड़ना चाह रहे हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट है। इसी हिसाब से मैंने छोड़ के जो रिमेनिंग एरिया जो बच रहा है उसमें मैंने रेस्टोरेंट बनाया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ मैंने बेसमेंट के स्टेप्स प्रोवाइड किए, जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरफ से, यहाँ पे स्टेयर्स है जो कंटिन्यूसली फ्लोर बाय फ्लोर कंटिन्यू ये जाते रहेंगे। और यहाँ पे ये 18 फीट 6 इंच का आपको बड़ा सा शटर मिल रहा है। रेस्टोरेंट के लिए ये बढ़िया भी है, एकदम फेस है ना, काफ़ी कंफर्टेबली रहे। तो यहाँ पे ये उनका काउंटर रहेगा, कैश काउंटर। और इस तरफ यहाँ पे कुछ टेबल वगैरह एक्स्ट्रा रहेंगे फ्रंट साइड में भी यहाँ पे। और रेस्टोरेंट का जो ये एरिया जो मिल रहा है उनको 18 फीट 6 इंच, जैसे में 30 फीट का आपको ये रेस्टोरेंट एरिया मिल रहा है। बैक साइड भी है जहाँ पे AC कैबिन वगैरह बनाना चाहे तो ना, जो फैमिली वगैरह आती है, लेडीज़ वगैरह आती है, तो उनके लिए सेपरेटली कैबिन टाइप AC बनाते हैं, तो वो ऐसा सोच रहे थे वो लोग। तो उनके हिसाब से बैक साइड मैंने बनाया है, जिनका एरिया 21 फीट का आपको ये AC कैबिन मिल रहा है। इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने किचन भी बनाया है जो 9 फीट 9 इंच, जैसे में 10 फीट 2 इंच का आपको किचन मिल रहा है। इस तरफ वॉशिंग एरिया है, इस तरफ हैंड वॉश है, और इस तरफ एक WC बाद मैंने कॉमन रखा है, ताकि इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे आसानी रहे। और यहाँ पे भी एक जो एक डॉटर लाइन जो शो हो रही है, ये इनसाइड इनसाइड से आउटसाइड आने के लिए एक आउटर रास्ता है। और इस तरफ से एक लिफ्ट भी है जो 5 फीट बाई 5 फीट की आपको लिफ्ट मिल रही है, क्योंकि उनको फ्लोर बाई फ्लोर बढ़ना है तो लिफ्ट की उनको ज़रूरत पड़ रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे लिया गया है आउटर से। आउटर आप इसका डायमेंशन देखेंगे तो 32 फीट 6 इंच मिल रहा है। साइड बैक की अगर बात करें तो 1.5 फीट मैंने बैक साइड छोड़ा है और लेफ्ट साइड 1.5 फीट है, और यहाँ पे भी ये करीब 1.5 फीट ही है, लेकिन वहाँ से फ्रंट साइड ये एकदम ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि क्रॉस प्लॉट है। अपने को इन साइड के जो भी रूम्स वगैरह है वो अपने को स्ट्रेट ही रखना है, क्रॉस जगह जो भी है वो आउट साइड हम छोड़ दे रहे, ताकि उस तरफ से कुछ भी अपने को वेंटिलेटर विंडोज़ वगैरह प्रोवाइड कर सके। तो ये कॉरिडोर भी आपको 8 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, और 7 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक आपको मिल रहा है। तो सेम कंटिन्यूसली फ्लोर बाय फ्लोर कंटिन्यू ये जाते रहेंगे, स्टेयर्स अपनी जगह पे और लिफ्ट भी अपनी जगह पे। जो बैक साइड का एरिया है वो मैंने ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से इसको यूज़ किया है रेसिडेंशियल में ख़ासतौर पर। इंशाल्लाह मैं इसको आने वाली वीडियोस में शो करूँगा। प्रेजेंट अभी उसमें फाइनल टचअप बाकी है, जैसे ही बन जाएगा मैं आपको ज़रूर शो करूँगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नए डिश के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।